अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम टोटली बात करेंगे कि स्नेक बाइट जो है और ये क्या करता है और उस मरीज़ के साथ क्या करना चाहिए और कौन कौन से स्नेक होते हैं जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद होपफुली स्नेक बाइट के बारे में आपका जो भी कन्फ्यूजन्स था या नॉलेज नहीं था वो आपका बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नेक स्नेक की। स्नेक होते हैं दो तरह के, ठीक है? मतलब हम इसको डिवाइड करते हैं कि स्नेक जब बाइट करता है तो दो वजह हो सकते हैं इसके, ठीक है? तो इसको मैं टाइप्स लिख रहा हूँ, दो टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो स्नेक वो होंगे जो न्यूरोटॉक्सिन होंगे या न्यूरोटॉक्सिक होंगे, ठीक है, या स्नेक होंगे हीमोटॉक्सिक, ठीक है? यानी ऐसे स्नेक जिसके काटने से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो यानी ब्रेन इन्वॉल्व हो तो उसको न्यूरोटॉक्सिक कहेंगे। वो स्नेक जिसके काटने के बाद हीमोलाइसिस या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम हीमोटॉक्सिक कहेंगे। तो न्यूरोटॉक्सिन के अंदर जो स्नेक आते हैं उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कोबरा, ठीक है? दूसरा है क्रेट, कोबरा एंड क्रेट। हीमोटॉक्सिक के अंदर अंदर आते हैं रसल वाइपर, ठीक है, रसल वाइपर, और दूसरा है पिट वाइपर। यही सांप, यही स्नेक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह मोस्टली यही चारों पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब कोबरा जो है ये बिल्कुल ब्लैकिश टाइप का होता है, ठीक है? आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, बिल्कुल फुल ब्लैक और इसका जो सर है ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है? तो उसको कोबरा कहेंगे। क्रेट जो है वो होता ब्लैक है, ठीक है, लेकिन इसी तरह इसके ऊपर वाइटिश स्पॉट होते हैं, ठीक है, क्रेट। रसल वाइपर जो जिस तरह जो ज़मीन का शक्ल है ना, जिस तरह ज़मीन है उसकी तरह कोई इसी तरह का ग्रे टाइप का, ठीक है, बिल्कुल जैसे लगेगा जैसे ज़मीन का ही कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता। पिट वाइपर भी कुछ इसी तरह का ही है लेकिन उसमें कलर कलरफुल होता है, मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके ऊपर भी इस तरह के डिफरेंट कलर्स का स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं पिट वाइपर। इसका मतलब ये हुआ अगर कोबरा काट ले या फिर क्रेट काट ले तो न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोबरा ने काटा या फिर इसको रसल वाइपर ने काटा या पिट वाइपर ने काटा? कुछ तो पॉइंट होंगे ना। देखें, सिम्टम या साइन होंगे अगर न्यूरोटॉक्सिसिटी है ना, अगर इसमें होता है सबसे पहले सवेयर पेन, सबसे पहले तो जो बेसिक सिम्टम्स है ना, सवेयर पेन होगा, पैरालिसिस होगी, ठीक है, पैरालिसिस हो सकती है ऑफ बॉडी क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, ठीक है, ये नंबर वन। नंबर टू, उस पेशेंट में साइन मिल जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हर पेशेंट में मिलेंगे टोसिस। अब टोसिस क्या है? टोसिस का मतलब ये है, ये अगर किसी का आँख है, ठीक है, ये अगर आँख है, नॉर्मली तो हर दो इंसान के दोनों आँख इसी तरह होते हैं ना, ठीक है, ये किसी का आँख हो गया, दोनों आँख। अब नॉर्मली एक आँख का जो ये ऊपर वाला आई लिड है ना, ये नॉर्मल होता है, ये भी इसी तरह बिल्कुल फिट है। और इस टोसिस किसको कहते हैं, जो अपर आई लिड है ना ये ऐसे ड्रूप कर रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है, इनमें से एक जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, एक नॉर्मल एक जो है ड्रूपिंग कर रहा होता है, आई लिड नीचे आ रहा होता है, तो इसको टोसिस कहेंगे। टोसिस मिलेगा पेशेंट के अंदर, डिप्लोपिया मिलेगा। डिप्लोपिया का मतलब ये है, पेशेंट कहेगा मुझे जो सामने वाली जो है ना दो दो चीज़ें नज़र आती है, पेशेंट को दो दो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, एक चीज़ दो दफ़ा नज़र आएगी, मतलब ये अगर एक पेन पड़ा हुआ है ना, पेशेंट के हिसाब से दो पेन पड़े हुए, इसी तरह उनको नज़र आएगा, डिप्लोपिया। और जो मेन इंपॉर्टेंट साइन है, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट को सांस लेने में बहुत मसला होगा, तो इसका मतलब ये साइन किसके हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी सांप के हैं यानी स्नेक के हैं, या तो कोबरा है या फिर क्रेट है, ठीक है?
इसीलिए पेशेंट जब भी आता है इमरजेंसी में, हम सबसे पहले उसे पूछते हैं कि आपको किस तरह के सांप ने काटा। अगर वेल एजुकेटेड इंसान होगा, उसको समझ होगी, तो नाम बता देगा। अगर जिसको नहीं पता, वो हमें खुद बताएगा कि हाँ कोई काला था, ठीक है, या फिर काला सांप था, उसके ऊपर बड़े बड़े व्हाइटिश स्पॉट थे, तो क्रिएट होगा। अगर फुल ज़मीन की तरह लग रहा तो रेसल वाइपर होगा, अगर उसमें मल्टीपल स्पॉट थे तो पिट वाइपर होगा। हमें उस हिसाब से ही अंदाज़ा हो जाता है, और बाकी अंदाज़ा हम इन सिम्टम्स की बुनियाद पे कर लेते हैं। ये हो गए न्यूरोटॉक्सिस की बात। अब हीमोटॉक्सिक कौन से स्नेक होते हैं, ये तो हमने नाम बता दिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो साइन मिलेंगे ना, इसमें साइन मिलेगा ब्लीडिंग का। पेशेंट बहुत ब्लीड कर रहा होगा, ठीक है, जहाँ से बाइट हुई, बाइटिंग साइट पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। कहाँ पे? बाइटिंग साइट पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। दूसरा क्या होगा? कंजक्टाइवल हेमरेज। कंजक्टाइवल हेमरेज होगा। कंजक्टाइवल हेमरेज का क्या मतलब है? ये अगर किसी का आँख है ना, ठीक है, ये अगर आँख है तो आँख का जो ये जो वाइटिश एरिया में नज़र आता है, ये इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। इसमें बिल्कुल रेडिश होगा, ऐसे होगा जैसे ब्लड अंदर छुपा हुआ हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवल हेमरेज। एपिस्टेक्सिस होगा। एपिस्टेक्सिस का मतलब है नाक से खून का बहना, ठीक है, तो पेशेंट के नाक से क्या होगा, ब्लड जो है वो बहुत बहना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा रसल वाइपर जो है, मोस्टली रसल वाइपर होगा स्पेशली, तो वो क्या करेगा, आर मीन रसल, आर मीन रीनल फेलियर, ठीक है, तो रीनल फेलियर करवाएगा, ठीक है। तो अगर ये साइन मिलते हैं तो ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है, कोबरा और क्रेट है। अगर हीमोटॉक्सिक के साइन मिलते हैं तो क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होगी और रीनल फेलियर होगा, कंजक्टाइवल हेमरेज होगी, इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अब जो है, ऐसे कोई भी सांप किसी ने काटा तो पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है, कुछ सिम्टम तो पेशेंट के होने चाहिए ना, कि पेशेंट कहे कि मुझे क्या फील हो रहा है। आप खुद भी देखेंगे, सबसे पहले वहां पर थ्रॉम्बिंग पेन होगा, मतलब ऐसा चुभन टाइप पेन होगा, ठीक है, पेशेंट को थ्रॉम्बिंग पेन होगा पेशेंट को। दूसरा क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन होगी मरीज को, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कोई वहां पर जो पॉइंट है वहां पर जलन हो रही है बहुत ज्यादा। उसके बाद स्वेलिंग होगी, वो जो बाइटिंग एरिया है ना वो सूज जाएगा, ठीक है, ये हो गए सिम्टम उसके। अब जो है, आपने ना इसकी मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट के लिए सॉरी थोड़ा सा मौसम ख़राब है इसीलिए कफ लग रही है मुझे। चलें, इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको दो तीन बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले हमें इतना पता है कि इसके लिए हम देते हैं एंटी वेनम, ठीक है, एंटी वेनम देते हैं, जो कि एंटी मतलब क्या होता है, इसके अगेंस्ट, वेनम मतलब जहर, जहर के अगेंस्ट जो चीज़ देते हैं उसको एंटी वेनम कहते हैं। अब ये एंटी वेनम क्या है, ठीक है, अब देखो, पहली बात तो ये कि पेशेंट बहुत डरे हुए होते हैं, ठीक है, स्वेलिंग होगी और बाद में ट्रीटमेंट अगर नहीं हुई तो एक पॉइंट और भी लिख लें कि गैंग्रीन बन सकता है, वो एरिया है ब्लैकिश बन सकता है, ठीक है। अगर मरीज आपके पास आया और बहुत डरा हुआ है, उनको आपने समझाना है कि 70% जो स्नेक होते हैं ना, 70% उनके बाइट नॉन पॉइजनियस होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है, 30% जो होता है ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आज 70% आपने उसकी काउंसलिंग करनी है कि कोई बात नहीं, स्नैप ने काटा, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डेथ नहीं होती 70%, ठीक है, और 30% में भी कहीं ना जाके 15% में ये हो जाता है कि उसमें जहर तो है, 15% के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जो है एंटी वेनम क्या है, एंटी वेनम भी कुछ इसी तरह का, जो अगर कोई भी सांप, जो डिफरेंट सांप है ना, जो चार मैंने बता दिए, इनकी डिफरेंट इनको किसी जगह इनका जहर निकाला जाता है, ठीक है, इनका जहर किसी तरह निकाला जाता है किसी लेबॉरेटरी के थ्रू वगैरह। अब जहर निकालने के बाद इनको इंजेक्ट किया जाता है या तो गोट के अंदर, शीप के अंदर, या फिर हॉर्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही इनके बॉडी में ये जहर गया, शीप, गोट या हॉर्स, तो इनके बॉडी, इनका जो बॉडी है ना, वो एक रिस्पॉन्स शो करेगा इस जहर जहर के अगेंस्ट, क्या बनेंगे एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनेंगे ना इसी जहर के अगेंस्ट, शीप और गोट और हॉर्स के बॉडी के अंदर। तो ये हम क्या करते हैं, फिर बहुत सारे टेक्निक्स के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीबॉडीज ये निकाल देते हैं और इनको स्टोर करवाते हैं, ठीक है, फिर इन्हीं का नाम है एंटी वेनम, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज है अभी।
अब यही एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हम एंटी वेनम मान के पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं अगर किसी को किसी सांप ने काटा होता है तब की बात, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एंटी वेनम। ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एंटी वेनम क्या होता है, सांप के काटने यानी स्नेक बाइट से किस तरह होता है और आपने किस तरह पेशेंट को जो है। अच्छा एक चीज़ ये आ जाती है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि अगर किसी को सांप ने काटा, ठीक है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ सांप ने काटा, मिसाल के तौर पर यहाँ सांप ने काटा, ठीक है, तो लोग आपसे लिखा होगा कि यहाँ पर कंप्रेशन से कोई कपड़ा बांध रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये कपड़ा ऊपर नहीं बांधना। क्यों नहीं बांधना? क्योंकि जब ये कपड़ा बंधेगा तो ये ब्लड प्रेशर और कंप्रोमाइज़ होगा, तो ये गैंग्रीन बनेगा, ये और इस्कीमिया की तरफ जाएगा, टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो आपने इसके लिए सिंपल बैंडेज करनी होगी। बैंडेज का मतलब ये है, अगर किसी का हाथ टूटता है तो आप क्या करते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह इस तरह रखते हैं ना, इसके ऊपर रैप करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह बांधते हैं ना। तो आपने भी इसी तरह करनी है, अगर सांप ने यहाँ पर काटा तो मैं इसको यहाँ पर कंप्रेस नहीं करूँगा, तो मैं इसके ऊपर कोई पट्टी बांध दूंगा, ठीक है। पट्टी बांधने से रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि अगर सांप ने यहाँ काटा तो आप यहाँ पर बांध लेंगे टाइट, ऐसा नहीं करना। और दूसरी बात, तो आपने बांधना नहीं है। दूसरी बात यह आ जाती है, बाजू का लोग बोलते हैं आप सक कर लें, किसी को आइडिया होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो सक कर लेते हैं जहर को, ये भी नहीं करना, ठीक है। ये बहुत एक्सपर्ट की बात है लेकिन नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। नंबर थ्री क्या होगा, वहाँ पर आपने कोई भी जो है और पायोडीन या इस तरह के टैबलेट वगैरह नहीं रखना, ठीक है, जो जहाँ पर सांप ने काटा होता है। इसके बाद कौन सा पॉइंट आ जाता है कि आपने सिंपल वाटर से आप धो सकते हैं इसको पॉइंट को, ठीक है, पायोडीन वगैरह से नहीं धोना, ये पॉइंट भी याद रखें। तो यहाँ तक होपफुली आपको स्नेक बाइट के मैनेजमेंट, उसका इमरजेंसी डीलिंग सब कुछ समझ आ गया होगा। और कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा नॉलेज आपको आ जाए। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए भी है और ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी है जो कि स्नेक बाइट या स्नेक के बारे में कुछ नॉलेज रखना चाहते थे। सो दिस इज़ होल अबाउट स्नेक बाइट।